साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरबी समाचार पर। खबर दिखेगी सच। एक शिवलिंग पन्ने का वजन 530 ग्राम और कीमत 500 करोड़ बुजुर्ग के लाकर में मिला, पुलिस ने जांच के लिए भेजा। खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के त्रिची में सीआईडी पुलिस ने बीते गुरुवार 30 दिसंबर 2021 को तंजावुर में एक व्यक्ति के पास से 500 करोड़ रुपए का पन्ने का शिवलिंग बरामद किया। इस शिवलिंग को बैंक लॉकर में रखा गया था। एडीजीपी जयंत मुरली ने शिवलिंग मिलने के बाद शुक्रवार को इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें टिप मिली थी कि तंजावुर में एक शख्स के पास पन्ने का शिवलिंग है। छापेमारी हुई तो व्यक्ति के बैंक लॉकर से शिवलिंग बरामद हो गया। पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम ने गुरुवार को तंजावुर के अरुणानंद नगर के सातवें चौराहे पर एक घर में छापेमारी की। उन्होंने घर पर तकरीबन 80 वर्ष के एनए समी पपन के बेटे एनएस अरुण से जब पूछताछ की तो अरुण ने जानकारी दी कि उनके पिता ने तंजावुर में एक बैंक लॉकर में प्राचीन पन्ना का शिवलिंग रखा है। इसके बाद उस शिवलिंग को बरामद करके पुलिस ने उसे जांच के लिए भेजा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जिस शिवलिंग को बैंक लॉकर से लाकर बरामद किया गया उसका वजन मात्र 530 ग्राम और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जब अरुण से इस विषय में पूछताछ हुई तो उन्होंने खुद नहीं मालूम था कि उनके पिता को इतनी प्राचीन वस्तु कहां से मिली। एडीजीपी ने कहा कि उन्होंने शिवलिंग मिलने के बाद उसे रत्नविदों को दिखाया जिन्होंने इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए की। इसे धर्मपुरम अधीनस्थ जैसे संरक्षकों के साथ वेरीफाई किया गया। उन्होंने इसके असली होने की पुष्टि की। अब आगे वैज्ञानिक विश्लेषण होगा और उस मंदिर की पहचान की जाएगी जिसमें यह शिवलिंग था। वहीं इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के सह संपादक यश विजय कुमार ने 500 करोड़ रुपए के अनुमान को मिथ्या बताया। साथ ही कहा कि पन्ना से बने शिवलिंगों की चोरी साउथ इंडिया के मंदिरों और मठों में 80 के दशक के अंत से हो रही है। अब पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या ये शिवलिंग वही है जो साल 2016 में नागपट्टिनम जिले के थिरुकोलाई में शिव मंदिर से गायब हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच में समीपपन सहयोग कर रहे हैं। पुलिस उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरपीएस समाचार।